हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आर यू एबल टू हेयर मी प्रॉपरली? यस, गुड आफ्टरनून. ओके, सो आई एम तनु वर्मानी, एन IDP सर्टिफाइड ट्रेनर एंड अ टेफलिन टेसोल सर्टिफाइड ट्रेनर. अ वेरी वार्म वेलकम टू बेबी कोट फ्री आल्स क्लासेस, एंड वी आर गोइंग टू बिगनिंग विद अ रीडिंग मॉड्यूल टुडे. फॉर एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, यू कैन रेज योर हैंड्स. I hope you are familiar with the Zoom meet, right? Okay, so let's begin. And even you can type in the chat box for any queries. Any queries you have, you can write in the chat box, raise your hands, okay? And please mute yourselves. So, shall we begin? Shall we begin? Okay, great. So today is our live session number one. How to ace IELTS? IELTS होता क्या है, right? कैसे आपको इसको क्या करना है, क्रैक करना है? कैसे आप वन बाय वन सारे मॉड्यूल्स को कवर करोगे? हम इन वीडियोस एंड लाइव सेशंस के थ्रू ये करने वाले हैं. सो द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है कि फॉर्मेट क्या है टेस्ट का. व्हाट इज द फॉर्मेट टेस्ट? आप एकेडमिक, ओके, टेल मी वन थिंग, हु आर एकेडमिक स्टूडेंट्स एंड हु आर जनरल स्टूडेंट्स? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स हु ऑल आर प्रिपेयरिंग एंड हाउ सून यू हैव दिस एग्जाम. लेट्स टॉक अबाउट दिस. ओके, सो हैरी एंड सलीम, दे बोथ आर एकेडमिक. ओके, ग्रेट. व्हाट अबाउट अदर्स? शुभम इज प्रिपेयरिंग फॉर द जनरल वन. एंड हैव यू ऑल बुक्ड योर एग्जाम? आप सबने अपना एग्जाम बुक करा? यस, ओके. एंड हाउ सून यू वॉन्ट टू गिव एग्जाम? कब देना है आपको एग्जाम? ओके, सलीम सेड 6 अप्रैल. व्हाट अबाउट अदर्स? हैव यू बुक्ड योर एग्जाम? देयर इज अ कैंडिडेट विद द नेम ऑफ आईफोन. Please change your name and introduce yourself. Harry, 1st April. So 1st April is very soon. Have you booked your exam? First week of April. So you are left with very few days. Okay, so now you need to know about both the test format, the general one as well as the academic one, right? So we will be discussing first about test format. Now, both IELTS general and academic passages, they are extracted from books, journals also, newspapers से भी लिए जाते हैं, handbook से भी लिए जाते हैं, एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी लिए जाते हैं. सो आपको क्या करना है, फेमिलराइज करना है खुद को किसके साथ, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के साथ. एकेडमिक स्टूडेंट्स विल बी लुकिंग फॉर एकेडमिक टेस्ट. जनरल कैंडिडेट्स किसके लिए देखेंगे? जनरल टेस्ट के लिए. हमारी एप्लीकेशन में आपको दोनों अवेलेबल है. जनरल कैंडिडेट्स के लिए जनरल टेस्ट अवेलेबल है और एकेडमिक कैंडिडेट्स के लिए एकेडमिक. सो ऑलवेज लुक फॉर द टेस्ट फॉर्मेट. आपको सबसे पहले फॉर्मेट पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है. बच्चे व्हाट दे डू इज दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर
टेस्ट, लेकिन फॉर्मेट नहीं पता कि सेक्शन 1 में क्या आएगा, सेक्शन 2 में क्या आएगा, सेक्शन 3 में क्या आएगा। जब तक आप टेस्ट के फॉर्मेट से फेमिलराइज नहीं होंगे, यू कैन नेवर क्रैक आइल्स, और कभी भी आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे फुलफिल नहीं होगी, राइट? सो फॉर इम्प्रूविंग योर रीडिंग स्किल्स, आपको अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए, राइट? लास्ट मिनट की प्रिपरेशन नहीं करनी कि 5 डेज रहते हैं, एग्जाम बुक करा एंड देन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन अ 5 डेज। नो, टिप्स उसके लिए भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी, बट एटलीस्ट यू नीड 10 to 15 डेज टू प्रैक्टिस दिस। सेकेंड थिंग इज, जब आपको टेस्ट फॉर्मेट पता चल गया, आपने एक मॉक टेस्ट उठाया, देखा कि सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं ना। ओके, वन थिंग आई वुड आस्क ऑल ऑफ यू, हाउ मेनी मिनट्स ऑफ रीडिंग मॉड्यूल इज, यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स, हाउ मेनी मिनट्स ऑफ रीडिंग इज। नो, ओके, 60 मिनट्स, यस करेक्ट। हैरी सेज 1 आवर मे बी। व्हाई मे बी हैरी? यू नीड टू नो, बिकॉज इफ यू आर प्लानिंग फॉर मिड ऑफ अप्रैल और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, यू शुड नो अबाउट इट, है ना? आपको ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एग्जाम जो आप, ओके, होल आयल्स आयल्स एग्जाम, द कंप्लीट आयल्स एग्जाम इज ऑफ, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ आयल्स एग्जामिनेशन? ओके, नाउ व्हाट यू कैन डू इज, वेन एवर यू वॉन्ट टू स्पीक समथिंग, यू कैन अनम्यूट एंड देन स्पीक। इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी राइटिंग इन द चैट बॉक्स, आप अनम्यूट कर सकते हो, देन यू कैन स्पीक अगेन। ओके, सो शुभम से 2 आवर 40 मिनट्स, इट्स 2 आवर 45 मिनट्स एक्चुअली, बिकॉज आपका जो स्पीकिंग होता है दैट इज फॉर 11 to 15 मिनट्स। ओके, सो सम स्टूडेंट्स हु आर न्यू हेयर, मैं उनको बताना चाहूंगी दैट आयल्स एग्जाम 2 आवर 45 मिनट्स का होता है, राइट? यहाँ पे आपके 4 मॉड्यूल्स होते हैं। द वेरी फर्स्ट मॉड्यूल इज रीडिंग, रीडिंग आपका 60 मिनट्स का होता है, राइटिंग भी 60 मिनट्स का होता है, लिसनिंग इज 30 मिनट्स, प्लस 10 मिनट्स आपको मिलता है इफ यू आर गोइंग फॉर अ पेपर बेस्ड, बिकॉज आयल्स आप 2 तरीके से दे सकते हो, पेपर बेस्ड फॉर्मेट में या कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट में। पेपर बेस्ड फॉर्मेट क्या होता है, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है और आपको आंसर शीट मिलती है, एंड यू विल बी राइटिंग आंसर्स इन द आंसर शीट, आप आंसर शीट में क्या लिखते हो, आंसर्स लिखते हो, सो वो आपका पेपर बेस्ड होता है। बट अगर आप कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीन पे दे रहे हो अपने एग्जाम को आइल्स के, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में आपकी लिसनिंग में आपको सिर्फ 2 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, राइट? तब आपको कोई एक्स्ट्रा 10 मिनट्स का टाइम नहीं मिलता कि आप अपने आंसर्स को शिफ्ट कर पाओ आंसर शीट पे, और स्पीकिंग रिमेन्स द सेम, वो आपका 11 to 15 मिनट्स का ही रहता है। ओके, देन इज योर स्पीकिंग मॉड्यूल। सो यू गॉट टू नो, इट्स क्लियर कि आपका रीडिंग मॉड्यूल 60 मिनट्स, राइटिंग मॉड्यूल 60 मिनट्स, लिसनिंग इज 30 + 10, 30 मिनट्स में आपका टेस्ट होता है, 10 मिनट्स आपको आंसर को ट्रांसफर करने के लिए दिए जाते हैं, एंड स्पीकिंग इज 11 to 15 मिनट्स। एंड वन मोर थिंग इज कि स्पीकिंग जो होता है आपका, इट इज ऑन अ सेपरेट डे, वो सेम डे पर नहीं होता। अगर आप 1st of April के लिए अपना एग्जाम बुक कर रहे हैं, तो स्पीकिंग विल बी 1 or 2 days प्रियोर और 1 or 2 days आफ्टर। सो या तो वो 3 4 दिन पहले होता है, या फिर वो 3 4 दिन बाद में होता है, करेक्ट? एनी कंफ्यूजन स्टिल हियर? यस, एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, यू कैन लेट मी नो इन द मिडल ऑल्सो दैट यस यू आर हैविंग दिस क्वेरी। ओके, सो लेट्स बिगिन कि आप कैसे करोगे एस अपने आयल्स को। टेस्ट फॉर्मेट, वन थिंग इज लर्न अबाउट द टेस्ट फॉर्मेट वेरी क्लियरली।
सेकेंड इज लर्निंग अबाउट द डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स. कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं रीडिंग मॉड्यूल में, राइट? सो देर आर 14 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. इसको कैटेगराइज किया गया है सब कैटेगरीज में. सो टोटल क्या है, 14 टाइप्स हैं. वेरी फर्स्ट थिंग इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मैचिंग इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस, मैचिंग हेडिंग क्वेश्चंस, सेंटेंस कॉम्प्लीशन, समरी कॉम्प्लीशन. बेसिकली ये कॉम्प्लीशन टाइप्स की सब कैटेगरीज हैं. सेंटेंस कॉम्प्लीशन, समरी कॉम्प्लीशन, नोट कॉम्प्लीशन, टेबल कॉम्प्लीशन, फ्लो चार्ट कॉम्प्लीशन, डायग्राम कॉम्प्लीशन, एज वेल एज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. आइडेंटिफाइंग राइटर्स व्यूज एंड क्लेम्स. एनीबडी हु नोज व्हाट इज आइडेंटिफाइंग राइटर्स व्यूज एंड क्लेम, किसी को पता है यहाँ पर ये कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन है? एनीबडी? यू कैन स्पीक. एनीबडी हु वॉन्ट्स टू स्पीक. यस, नोबडी नोज. से यस एंड नो. ओके, सो आइडेंटिफाइंग राइटर्स व्यूज एंड क्लेम इज यस नो नॉट गिवन. आप ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस करते हो, ऐसे ही आपके यस नो नॉट गिवन क्वेश्चंस होते हैं. आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन, मैचिंग फीचर्स, मैचिंग सेंटेंस एंडिंग एंड ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चन. सो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जब भी आप प्रिपेयर करते हो आईएलटीएस एग्जामिनेशन के लिए, आपको फेमिलराइज करना है खुद को डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए कि आपके एग्जाम में, आपके रीडिंग मॉक टेस्ट में कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं. देन यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑल दोज टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो ऑलवेज पे रीड, पे अटेंशन टू द इंस्ट्रक्शंस ऑल्सो. जब भी आप कोई भी टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हो, द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आप क्या फोकस करोगे कि इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, वर्ड काउंट क्या है, कैसे आप इफेक्टिवली मैनेज करोगे अपने टाइम को, कैसे आप क्वेश्चंस को पहले रीड करोगे, देन आप पैसेजेस को रीड करोगे, क्या पूछा जा रहा है आपके क्वेश्चन में पहले, राइट? मेक श्योर नॉट टू कैरी अवे एंड डू नॉट अप्लाई योर प्रियोर नॉलेज. आपको अपनी कोई प्रियोर नॉलेज नहीं अप्लाई करनी है, आपको पैसेज को फोकस करना है और अपने टाइप ऑफ क्वेश्चन को, राइट? नेक्स्ट थिंग, नाउ वी विल बी अप्लाइंग सम टेक्निक्स हियर. हम कौन कौन सी टेक्निक अप्लाई करने वाले हैं? द वेरी फर्स्ट इज स्किमिंग एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्कैनिंग टेक्निक एंड द थर्ड टेक्निक इज रीडिंग फॉर डिटेल. ये थ्री टेक्निक्स हम अपनी रीडिंग में अप्लाई करने वाले हैं. सो व्हाट इज स्किमिंग? स्किमिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, किसी को पता है? यस प्लीज, एनीबडी हु नोज अबाउट स्किमिंग कि हम कैसे स्किमिंग अप्लाई करते हैं? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड स्पीक ऑल्सो, आप बोल सकते हो. First we paragraph and we underline the first the priority will be the number and the sentence like strong keywords. बट यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट स्किमिंग एंड स्कैनिंग बोथ. स्किमिंग मीन्स व्हेन यू क्विकली रीड द पैराग्राफ, यू जस्ट स्किम द पैराग्राफ क्विकली, दैट इज कॉल्ड अ स्किमिंग. व्हेन यू लुक एट अ पैराग्राफ एंड यू स्टार्ट रीडिंग इट क्विकली सो दैट यू हैव एन आइडिया व्हाट दिस पैसेज इज टॉकिंग अबाउट, नॉट अ डीप रीडिंग बट यस अ क्विक रीडिंग, दैट इज कॉल्ड स्किमिंग. स्कैनिंग मीन्स व्हेन यू ट्राई टू लोकेट सर्टेन कीवर्ड्स इन योर पैराग्राफ. जब आप कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स को क्या करते हो, सर्च आउट करते हो अपने पैराग्राफ में, दैट इज कॉल्ड स्कैनिंग. लाइक सपोज इफ आई टॉक अबाउट अ सैम्पल क्वेश्चन, अ क्वेश्चन सेज व्हेन वाज क्वीन विक्टोरिया डाइड, सो माय क्वेश्चन हैज टू कीवर्ड्स, क्वीन विक्टोरिया एंड टॉकिंग अबाउट द डेथ पार्ट, कि कब डेथ हुई, राइट?
So what my task will be, I will be looking in the paragraph with the name of Queen Victoria. But if the paragraph, अगर पैराग्राफ में बहुत सारी जगह क्वीन विक्टोरिया दिया है, सो इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू फाइंड आउट. सो आई विल लुक फॉर माई सेकेंड की वर्ड, दैट इज डेथ. सो वॉट आई विल सर्च इन द पैराग्राफ इज क्वीन विक्टोरिया एज वेल एज द स्टेटमेंट और अ वर्ड जो क्या डिस्क्राइब करेगा कि उसकी डेथ कब हुई. सो दैट इज स्कैनिंग. इट मीन्स यू आर नॉट रीडिंग द होल पैराग्राफ, यू आर जस्ट सर्चिंग आउट विथ टू की वर्ड्स. That is called scanning. I hope I'm clear. So skimming means a process when you read the passage quickly, but scanning means when you locate specific keywords without reading the whole passage, but yes, you are searching word by word for that particular two words, right? Great. You can unmute also and then you can speak up for any doubts you have. Next is, so how we are going to do this? कैसे हम ये apply करने वाले हैं? So very first thing, इस technique को apply करने के लिए आपको सबसे पहले अपने questions को read करना है. Now why questions? हम क्यों questions को read करते हैं? Anybody? Any idea? Why we read the questions first? क्यों करना चाहिए हमें क्वेश्चंस को रीड पहले? यस प्लीज. सी, हमें इस सेशन को इंटरैक्टिव बनाना है. इफ यू वांट टू हैव अ लाइव सेशन ऑफ स्पीकिंग, व्हाई वी आर कमिंग अप विद द लाइव सेशन इज कि हम एक इंटरैक्टिव स्पीकिंग भी कर पाए, राइट? अगर आप लोग अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव नहीं करोगे थ्रू दिस सेशन. व्हाई यू आर ऑन अनम्यूट शुभम? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन यू कैन स्पीक. यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आप अनम्यूट करो और बोल सकते हो. To get the understanding of question. Yes. What about others? Shubham, check once, please. Because I guess Devanshi Sharma, yes. He's able to speak. Okay. So, why it is required ki aapko questions ko read karna hai pehle? When you read the questions first, you have an idea that what is the requirement. Passage read करने से क्या होगा? They are not checking your knowledge, but they are checking your skills here. आपकी क्या स्किल चेक हो रही है कि आप इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कितने करेक्ट आंसर्स को फाइंड कर सकते हो. सो दे आर चेकिंग योर रीडिंग स्किल्स. सो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आप अपने क्वेश्चंस को पहले रीड करोगे. क्वेश्चंस को रीड करने से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपको पैसेज में क्या फाइंड आउट करना है, राइट? एंड यू हैव टू डिटरमाइन द की डिटेल्स आल्सो कि आपको आंसर बैक क्या करना है जब आप अपने क्वेश्चंस को रीड करते हो. सो इससे क्या इंप्रूव होता है? इट इंप्रूव योर एबिलिटी टू फाइंड इंफॉर्मेशन क्विकली. जब आपने अपने क्वेश्चन वन को रीड करा कि व्हेन वाज द क्वीन विक्टोरिया डाइड, सो यू नो कि आपको पैसेज में क्या फाइंड आउट करना है, द डेथ, द डेट ऑफ द क्वीन विक्टोरिया, राइट? सो रीड द पैसेज आफ्टरवर्ड्स व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, बट यस, यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट. एंड दिस इज टाइम सेविंग ऑल्सो, बिकॉज अगर आप पैसेज को रीड करते हो पहले एंड देन यू रीड द क्वेश्चंस और फिर से आप पैसेज में जाते हो उनके आंसर्स फाइंड करने के लिए, इट इज टाइम कंज्यूमिंग. सो आपको यहाँ पे टाइम कंज्यूम नहीं करना. डू नॉट वेस्ट योर टाइम. आपके पास 60 मिनट्स हैं, 40 क्वेश्चंस के आंसर आपको फाइंड आउट करने हैं एंड यू हैव 3 लॉन्ग पैसेजेस, राइट? So you have to be very quick in finding the answer. Context clues. Context clues क्या होते हैं? वो hints होते हैं information के.
जो आपको हेल्प करते हैं किस चीज के लिए, जब आपको अनफेमिलियर वर्ड्स दिए जाते हैं समटाइम्स. अब आपके पास डिक्शनरी, यू कांट कीप डिक्शनरी इन यू नो योर एग्जाम, और एवरी टाइम यू कांट कीप डिक्शनरी, बट कॉन्टेक्स्ट क्लूज क्या होते हैं, दे हेल्प यू. जब आप एक स्टेटमेंट में कुछ वर्ड्स के मीनिंग आपको नहीं समझ आ रहे, तो कॉन्टेक्स्ट क्लू क्या होता है, जब आप पूरे सेंटेंस को रीड करते हो, इट गिव्स यू एन आइडिया कि इसका प्रेडिक्टेड मीनिंग क्या है. सो अनफेमिलियर वर्ड्स को हेल्प करता है. सो मेक श्योर कि आप अपनी रीडिंग को क्या करो, इम्प्रूव करो. और ये वो टर्म्स एंड फ्रेजेस होते हैं दैट सराउंड अ वर्ड और उसके मीनिंग को हेल्प करते हैं ये, राइट. सो इट गिव्स यू एन आइडिया कि इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है, राइट. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये टेक्निक अप्लाई करो. हर वर्ड का मीनिंग मत ढूंढो रीडिंग के पैसेज में, ट्राई टू रीड द कंप्लीट स्टेटमेंट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. उस स्टेटमेंट को जब आप रीड करोगे तो आपको उस स्टेटमेंट का मीनिंग अपने आप समझ आएगा, राइट. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूट योर टाइम अप्रोप्रिएटली. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज स्टूडेंट्स का एग्जाम में क्या होता है, 60 मिनट्स का पेपर है, 40 क्वेश्चंस है, आधे क्वेश्चंस तो इसीलिए रह जाते हैं बिकॉज टाइम मैनेजमेंट नहीं होता. सो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. मेक श्योर करो, देखो आपके पास 60 मिनट्स है, 40 क्वेश्चंस है, 20 मिनट्स ऑन ईच पैसेज इज गिवन, कि आप 20 20 20 3 सेक्शंस है आपके पास, वेदर इट इज जनरल कैंडिडेट्स हो या फिर आपके एकेडमिक हो, आपको 20 20 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन मिलता है. बट आई सजेस्ट माई स्टूडेंट्स पर्सनली कि आप इस टाइम ड्यूरेशन को कम करो, आप 15 15 एंड 30 रखो. वाई? बिकॉज आपको 5 मिनट्स लास्ट में आंसर ट्रांसफर करने के लिए भी चाहिए. अगर आपने इनकरेक्ट आंसर ट्रांसफर कर दिया अपनी आंसर शीट पे, देन हाउ इट वोंट हेल्प यू. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. यस. सो व्हाट दे डू इज दे आर नॉट लेफ्ट विद टाइम, उनके पास टाइम ही नहीं बचता, या फिर वो इन अ हरी क्या करते हैं, रॉन्ग आंसर्स ट्रांसफर कर देते हैं. सो मेक श्योर कि आप अपनी रीडिंग स्किल्स को इतना इंप्रूव करो कि आप 15 मिनट्स में अपने सेक्शन 1 को कंप्लीट करो, 15 मिनट्स में अपने सेक्शन 2 को कंप्लीट करो, और सेक्शन 3 जो होता है वो आपका द मोस्ट डिफिकल्ट होता है, बिकॉज डिफिकल्टी लेवल आपका इंक्रीज होता जाता है सेक्शन 1 1 से 2 एंड देन टू 3. सो सेक्शन 3 के लिए वाई 30 मिनट्स मैंने बोला, क्योंकि 20 to 25 मिनट्स आपको चाहिए सेक्शन 3 को करने के लिए, एंड देन यू आर लेफ्ट विद 5 मिनट्स जब आप क्या करोगे, अपने आंसर्स को ट्रांसफर करोगे, राइट. नाउ इन द जनरल रीडिंग एग्जाम यू शुड स्पेंड मोर टाइम ऑन द थर्ड पैसेज देन टू द फर्स्ट 2, एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर एकेडमिक ऑल्सो, बिकॉज एकेडमिक इज लिटिल डिफरेंट. ये एकेडमिक कंटेंट है, आप लोग वहां पे स्टडी करने के लिए जा रहे हो. जनरल एग्जाम जो होता है रीडिंग का, उसकी लैंग्वेज थोड़ी इजियर होती है. क्यों? बिकॉज द पीपल आर माइग्रेटिंग. वो वहां पे किस लिए जा रहे हैं, वर्क करने के लिए जा रहे हैं या अपनी लाइफ सेटल करने के लिए जा रहे हैं. सो दे विल बी एंगेजिंग इन अ डेली कन्वर्सेशन, डेली लाइफ से रिलेटेड है, राइट. राइट. सो मेक श्योर कि आप अपने टाइम को अप्रोप्रिएटली डिस्ट्रीब्यूट करोगे. टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. नेक्स्ट, बिल्ड योर वोकैबुलरी. नाउ मेनी ऑफ द रीडिंग क्वेश्चन सेंटर सिनोनिम्स और पैराफ्रेजिंग टेक्स्ट दिए जाते हैं आपको, राइट. एज अ रिजल्ट एग्जाम एक्सेस योर वोकैबुलरी एज वेल एज योर कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी. सो अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज करो, बिकॉज वी हैव प्रोवाइडेड यू वोकैबुलरी, आपको एप्लीकेशन में वोकैबुलरी प्रोवाइडेड है. वेरी सून वो बहुत जल्दी अपडेट भी होने वाली है. यू विल बी हैविंग एवरीथिंग हियर, आपको कॉलोकेशन, फ्रेजल वर्ब्स, ईडीएम्स एंड ऑल ऑफ द रिसोर्सेज आर अवेलेबल.
और वो अकॉर्डिंग टू द टॉपिक स्पेसिफिक है, ऐसा नहीं है कि आपको विदाउट टॉपिक वोकैबुलरी अवेलेबल हो, यहाँ पे आपको सब चीज अवेलेबल है टॉपिक स्पेसिफिक। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, यू आर गोइंग टू अप्लाई दैट वोकैबुलरी इन योर राइटिंग, आप उसे स्पीकिंग में भी अप्लाई करोगे, और अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो आप उसको लिसनिंग में भी यूज कर सकते हो। कैसे यूज होती है? अगर आपको लिसनिंग में कोई वर्ड डिफरेंट दिया गया है ऑन अ पेपर जब आप लिसनिंग का टेस्ट देते हो, बट एग्जाम में जब वो आप हेयर कर रहे हो रिकॉर्डिंग को, दैट हैव डिफरेंट वर्ड। सो अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो आप उन दोनों वर्ड्स को मैचअप कर पाओगे कि ये इसका क्या है, सिनोनिम है, राइट? तो वोकैबुलरी इज वन ऑफ द मेन थिंग, ठीक है? रीडिंग के एग्जाम में और लिसनिंग के एग्जाम में एग्जामिनर्स आपको देते हैं वोकैबुलरी, और आपको चेक करनी है कि डू यू हैव दैट कैपेबिलिटी, आपके पास वो कैपेबिलिटी है कि आप वोकैबुलरी को चेक कर पाओ। और राइटिंग और स्पीकिंग में आपको वोकैबुलरी उनको प्रोवाइड करनी है लिख के और स्पीक करके, राइट? सो यू शुड नो कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ट्रांसफर योर आंसर्स कॉन्करेंटली। नाउ अनदर क्रूशियल स्टेप जो मैंने आपको बताया कि आपको टाइम मैनेजमेंट के फोकस करना है इस चीज पे कि आप एडिशनल टाइम नहीं लगाओ, 60 मिनट्स ही आपके पास, लिसनिंग की तरह यहाँ पे आपको 10 मिनट्स नहीं मिलेंगे। यू हैव दैट 60 मिनट्स जिसमें से आपका 55 मिनट्स एग्जाम क्वेश्चन पेपर पे जाएगा एंड 5 मिनट्स आपको लास्ट में चाहिए आंसर शीट पे आंसर ट्रांसफर करने के लिए। सो डू नॉट रश एट दिस टाइम। अगर आपने सही आंसर भी फाइंड करा है बट अगर उसको ट्रांसफर गलत करा है, सो दिस इज ऑफ नो यूज। एंड वन मोर थिंग इज, आप ऑल वर्ड्स अपर केस में लिख सकते हो, बट मेक श्योर जो आपने आंसर वन लिखा है अगर अपर केस में, फॉलो द सेम फॉर ऑल रिमेनिंग 39। 40 के 40 आंसर्स या तो आप अपर केस में लिखो या फिर नॉर्मल पंक्चुएशन के साथ कि फर्स्ट वर्ड आपका कैपिटल है एंड देन ऑल स्मॉल, राइट? एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, प्लीज लेट मी नो। ओके, नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू रीड एंड प्रैक्टिस। दिस कैंडिडेट रतु, आर यू फेसिंग एनी डिफिकल्टीज इन ज्वाइनिंग? ओके, रीड एंड प्रैक्टिस मोर ऑफन। सो फॉर्म अ हैबिट कि आप प्रैक्टिस करो सैम्पल पेपर्स की, डाउनलोड करो, टेक अ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द एप्लीकेशन। आप मल्टीपल पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो, राइट? मल्टीपल पेपर्स डाउनलोड करने के बाद टेक आउट अ प्रिंट आउट, या तो उनका फॉन्ट साइज भी अवेलेबल अच्छे साइज में अवेलेबल है तो आप उसको पीडीएफ की फॉर्म में भी रख के प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट? इससे आपकी स्पीड, पेस मीन्स आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, ठीक है? और आप टफ वर्ड से भी क्या हो जाओगे, हेल्प आउट हो जाओगे, बिकॉज आपको प्रैक्टिस रहेगी कि आप क्या कर रहे हो, राइट? सो मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस करो। फर्स्ट आपको पता होना चाहिए टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस की करो एंड देन उसके बाद आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे मल्टीपल मॉक टेस्ट। नाउ लेट्स क्विकली डू दिस स्किमिंग स्कैनिंग एंड रीडिंग फॉर डिटेल। स्किमिंग जिसकी बात करी थी हमने, ये हम अप्लाई करेंगे अब हियर। सो स्किमिंग मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, क्विकली पैराग्राफ को रीड करना है ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि इस पैसेज में आपको क्या कन्वे किया जा रहा है, क्या इसकी थीम है, राइट? सो स्पीड रीडिंग है ये पूरे लॉन्ग टेक्स्ट की, राइट? रीड द फर्स्ट पैराग्राफ टू गेट द आइडिया, रीड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ ताकि आपको क्या मिले, एक आइडिया मिल जाए। नाउ लेट्स डू दिस स्कैनिंग ऑल्सो। स्कैनिंग क्या होती है, जब आप क्या करते हो, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए फाइंड आउट करते हो। वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, इट कैन बी अ नंबर, अ डेट, कुछ भी, राइट? सो इट इज अ फॉर्म ऑफ अ स्पीड रीडिंग लॉन्ग टेस्ट। जब आप क्या करते हो, नेम्स, डेट्स, इन सब के लिए क्या करते हो, सर्च आउट करते हो। रीडिंग फॉर डिटेल, रीडिंग फॉर डिटेल थर्ड टेक्निक है जिसमें आप क्या करते हो, स्लोली रीड करते हो पैसेज को। ओके राशि, कभी कभी पैराग्राफ समझ नहीं आते, डोंट वरी, आई विल हेल्प यू। मैं इसी चीज के लिए हूं आज लाइव, ठीक है? बट पहले हम ये करते हैं,
रीडिंग फॉर डिटेल क्या है? जब आप स्लोली रीड करते हो, स्लोली रीड का मतलब ये नहीं कि आप 5 मिनट्स एक ही पैसेज को लगा दोगे, इसका मतलब यह है कि आप स्किमिंग नहीं करोगे, बट यस यू विल रीड द पैसेज, आप कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट को रीड करोगे ताकि आपको क्लियरली क्या समझ आए, पैसेज समझ आए। सो हम एक एक्सरसाइज करते हैं क्विकली, जिसमें आपको क्या करनी है, स्किमिंग करनी है, ठीक है? सो एवरीबॉडी केयरफुली फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, चूज द बेस्ट पॉसिबल हेडिंग फॉर द गिवन पैराग्राफ। आपको क्या करना है, इस पैराग्राफ के लिए एक हेडिंग बतानी है, एंड यू हैव थ्री ऑप्शंस, द रियल ओरिजिन्स ऑफ द पास्ता, द कॉमन बिलीफ ऑफ द ओरिजिन्स ऑफ पास्ता, इज द पास्ता रियली इटालियन। सो आपको क्या करना है, क्विकली पैराग्राफ को रीड करना है, स्किमिंग करनी है यहाँ पे, ठीक है? सो आई एम गिविंग यू अ मिनट, नॉट मोर देन अ मिनट, ठीक है? स्टार्ट डूइंग इट। ओके राशि, व्हाई वन द रियल ओरिजिन्स ऑफ पास्ता, प्लीज टेल मी। यस राशि, आई एम आस्किंग यू व्हाई इज इट सो, एनीबॉडी एल्स? यस, इसमें ओरिजिन की बात की है, बट इस पैसेज को रीड करके आपको यस, एनीबॉडी एल्स व्हाई इट इज फर्स्ट वन? लेट्स हैव एन इंटरैक्टिव सेशन प्लीज, आई एम गोइंग टू इवैल्यूएट योर स्पीकिंग आल्सो हियर। एनीबडी एल्स हु हैज डन, जिसने कर लिया प्लीज। ओके नो वरीज, आई विल एक्सप्लेन दिस। राशि, दिस आंसर इज रॉन्ग। रियल ओरिजिन्स ऑफ पास्ता, क्या इस पैसेज में रियल ओरिजिन की बात है? वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम रीड करें, वन ऑफ द मोर पॉपुलर थ्योरीज ऑफ अराइवल ऑफ पास्ता, यहाँ पे थ्योरीज की बात करी है उसने पहली स्टेटमेंट में, कि थ्योरीज क्या है कि पास्ता कब अराइव हुआ था इन इटली। अब थ्योरीज क्या होती है, कैन एनीबॉडी टेल मी थ्योरी क्या होती है, व्हाट आर थ्योरीज? यस थ्योरीज क्या होती हैं? यस स्टोरी ऑफ पास्ट, नो थ्योरीज मींस बिलीव्स, एक बिलीव होता है, व्हाट आर थ्योरीज? थ्योरीज मींस बिलीव। ये एक पॉपुलर थ्योरी थी कि कब आया था पास्ता इन इटली, इट वाज पब्लिश्ड इन अ मैकरोनी जर्नल बाय द एसोसिएशन ऑफ फूड इंडस्ट्री। रियल ओरिजिन तो यहाँ पे बताया ही नहीं गया, डिस्कस ही नहीं किया, राइट? सो द आंसर इज सेकेंड वन, द कॉमन बिलीफ ऑफ ओरिजिन ऑफ पास्ता। सी ओके, आई होप इट इज क्लियर नाउ। सो व्हेन यू क्विकली डू द स्किमिंग, यू विल गेट एन आइडिया, आपको एक आइडिया मिल जाता है पैसेज के थ्रू कि पैसेज आपको क्या कन्वे कर रहा है, राइट? लेट्स डू वन मोर, एक और करते हैं हम। नाउ यू हैव टू क्विकली डू स्कैनिंग, अब आपको यहाँ पे स्कैनिंग करनी है। शुभम ने बताया था स्कैनिंग के बारे में, राइट? कि स्कैनिंग क्या होती है, जब हम पर्टिकुलर वर्ड्स को सर्च आउट करते हैं।
So question one says, what is the world's first rotating boat lift? कौन सा है वर्ल्ड का फर्स्ट रोटेटिंग बोट लिफ्ट? तो व्हाट इज नाउन, ठीक है, आपको उसको सर्च आउट करना है, वो नेम भी हो सकता है. सेकंड इज, व्हाट कीप्स द फोर्थ एंड क्लिड कैनाल यूनियन कैनाल ज्वाइंट? व्हाट कीप्स, क्या चीज उनको ज्वाइन करके रखती है? तो आपको वो सर्च आउट करना है जो उनको ज्वाइन करके रखता है. थर्ड वन इज, हु वॉन्टेड टू क्रिएट अ ड्रामेटिक लैंडमार्क? हु मीन्स द नेम ऑफ अ पर्सन. हु वॉन्टेड टू क्रिएट, कौन करना चाहता है ड्रामेटिक लैंडमार्क को क्रिएट? सो यू हैव अगेन 1 मिनट, क्विकली फाइंड आउट द आंसर एंड लेट मी नो. एंड दिस मीटिंग विल एंड आफ्टर 2 मिनट्स, सो यू हैव टू ज्वाइन बैक अगेन, ठीक है? You can unmute and tell your answers also once done. Yes, so Raman says forkic wheel. Yes, that's a correct answer. What about the second one? So you have to do scanning here. Do not read every statement. आपको सारी statements को read नहीं करना. Save your time. सिर्फ क्या search करना है आपको? First rotating board. कहाँ पर लिखा है ये statement? ये phrase ढूंढो. Okay? डू नॉट सर्च, डू नॉट रीड द एंटायर पैराग्राफ. आपको रीडिंग इन डिटेल भी नहीं करना, स्किमिंग भी नहीं करना, आपको सिर्फ स्कैनिंग करना है. वाई मिलेनियम लिंक इज द आंसर ऑफ विच वन शुभम? ये किसका आंसर है? ओके, लेस देन 1 मिनट, लेट्स रीजॉइन दिस. ओके, लेट्स वेट फॉर अ मिनट एंड और एवरीबॉडी मैंने ज्वाइन इन. क्या कहूँ ये बताओ टिल देन प्लीज म्यूट योर सेल्फ एवरीबॉडी एंड प्लीज कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3. Any answers for the B1? What keeps the fourth and clearance? देखो, you have to be quick. अगर हम इतना ज्यादा टाइम सिर्फ ये 3 questions स्कैनिंग करने में लगा देंगे, हाउ वी आर गोइंग टू डू 40 questions? हम 40 questions कैसे करेंगे? यू हैव टू इम्प्रूव योर स्पीड. रमन सेज ब्रिटिश वाटरवेज. Who wanted to create? So British Waterways Authority. Anybody for the second one? Second का आंसर नहीं बताया रमन.
आई गेस रमन गॉट टू आंसर, सेकेंड वाला लेफ्ट है राइट। ओके सो आंसर नंबर वन में किसी को डाउट? आंसर वन इज क्लियरली रिटन है ना, वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट में देखो क्या लिखा है। द फकीक व्हील इन स्कॉटलैंड इज द वर्ल्ड फर्स्ट एंड ओनली रोटेटिंग बोट लिफ्ट। तो वर्ल्ड का फर्स्ट रोटेटिंग लिफ्ट कौन सा है? ये व्हील है कब राइट। सेकेंड आंसर, प्लीज राशि म्यूट योर सेल्फ, चैलेंज प्लीज म्यूट योर सेल्फ। सेकेंड आंसर में डिफिकल्टी हुई है राइट। व्हाट कीप्स, क्या चीज है जो दोनों कैनाल को ज्वाइन करके रखती है? अगर आप सेकेंड बी पैराग्राफ को रीड करोगे, यहाँ पे देखो, हिस्टोरिकली द टू कैनाल्स हैड बीन जॉइन नियर द टाउन ऑफ फॉकेक बाय अ सीक्वेंस ऑफ 11 लॉक्स। सो क्या चीज है जो दो कैनाल्स को ज्वाइन करके रखी है, किस चीज के सीक्वेंस थ्रू? सीक्वेंस ऑफ 11 लॉक्स। सो जो वो सीक्वेंस है 11 लॉक्स का, उसने क्या कर रखा है? दोनों कैनाल्स को ज्वाइन कर रखा है। सो आंसर इज सीक्वेंस ऑफ 11 लॉक्स। थर्ड वन, हु वांटेड टू क्रिएट अ ड्रामेटिक लैंडमार्क? आई ओनली गॉट आंसर फ्रॉम रमन। एनीबडी एल्स? सो इट इज ब्रिटिश वाटरवेज अथॉरिटी राइट। हाउ यू गॉट दिस आंसर रमन, कैसे मिला आपको ये आंसर, प्लीज एक्सप्लेन वेरी क्लियरली। कहा? मैम, इट्स क्लियरली रिटन इन द लास्ट स्टेटमेंट, जब प्रोजेक्ट, यस मैम, अथॉरिटी व्हेन द प्रोजेक्ट वाज, जब अथॉरिटी बोला ना, उस टाइम पता चल गया था. हाँ, सो व्हेन द प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन 1994, ब्रिटिश वाटरवेज अथॉरिटीज वर कीन टू क्रिएट। सो कीन इज लाइक दे हैव अ डिजायर है ना, कि उनको क्या क्रिएट करना था? ड्रामेटिक सेंचुरी लैंडमार्क क्रिएट करना था राइट। बट हम इतना टाइम नेक्स्ट टाइम नहीं लगाएंगे अपनी स्कैनिंग को करने के लिए। स्कैनिंग एक ऐसी टेक्निक है जो आपको बहुत क्विकली अप्लाई करनी है, या आपका टाइम चैलेंजिंग एग्जाम है। ओके नाउ लेट्स डू थर्ड टेक्निक। अब हम थर्ड टेक्निक करते हैं। आई होप यू गॉट ऑल द आंसर्स राइट। एवरीबॉडी गॉट ऑल द आंसर्स? सलीम क्या प्लीज म्यूट योर कर सेल्फ। दिया मैंने, मुझे लगता द नेम विद सलीम, है. प्लीज म्यूट योर सेल्फ। यस मैम. यू हैव टू म्यूट योर सेल्फ। ओके नेक्स्ट वन इज रीडिंग फॉर डिटेल। अब आपको यहाँ पे स्लोली यू हैव टू रीड द पैसेज एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैसेज। यहाँ पे हम थोड़ी सी डीप रीडिंग करेंगे। ये क्या है? मैचिंग हेडिंग है। जब आपको डीप रीडिंग करके अपने पैसेज का मेन आइडिया कन्वे करना है, सो यू हैव टू मैच द हेडिंग्स। आपको फोर हेडिंग्स दी है यहाँ पे: क्रिएटिंग ग्लोबल वार्मिंग, यूज ऑफ अ ग्रीन हाउस, आर चॉइसेस एंड ग्रीन हाउस गैसेस। आपको इस पैसेज को रीड करके ये बताना है कि इसकी कौन सी सूटेबल हेडिंग है। ओके सो यू हैव वन मोर मिनट, यू हैव टू रीड दिस क्विकली एंड देन यू हैव टू टेल मी कि इस पैसेज की कौन सी रीडिंग है, कौन सी हेडिंग है। ओके यू हैव टू रीड इन डिटेल। सो आपको ईच एंड एवरी स्टेटमेंट इस पैराग्राफ की क्या करनी है? यू हैव टू रीड दिस केयरफुली, रीड द पैराग्राफ। इसमें आप रीडिंग फॉर डिटेल अप्लाई करोगे। थर्ड टेक्निक आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है एंड द थर्ड टेक्निक इज रीडिंग फॉर डिटेल। हमने स्किमिंग अप्लाई करी थी, स्कैनिंग अप्लाई करी, अब हम थर्ड टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, रीडिंग फॉर डिटेल। सो क्विकली 1 मिनट है आपके पास, क्विकली रीड दिस।
Once done, you can tell your answers. Okay, Rashi, let's wait for others also. Rashi says A1, creating a global warming. What about others? Rashi, why it is A1? क्यों लगा आपको कि A इसका करेक्ट आंसर है? मैम लास्ट लाइन में ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रखी है बट यहाँ पे इसीलिए। गैसेस की बात भी हो रखी है, तो तो व्हाई? मैम मैम ने बोला था कि स्टार्टिंग में और लास्ट के लाइन कंक्लूजन लिखे, तो उसके उस उसके बेस पे हमें कौन सी मैम ने बोला मतलब था मैच करना आपको? चाहिए। मैम एकेडमी पे बोला था। एकेडमिक की मैम ने, और अगर कभी लास्ट में नहीं आया तो आंसर? तो वो मैम आप सोल्यूशन ही बता देना फिर इसका। एग्जैक्टली। एनीबडी एल्स? देखो, जब हम रीडिंग फॉर डिटेल करते हैं ना, तब आपको पैसेज को रीड करके उसका मेन आइडिया देखना है कि इसका जिस्ट क्या है, इसका समरी क्या, आपको इस पैसेज के थ्रू क्या कन्वे हो रहा है। यहाँ पे ग्रीन हाउस के बारे में भी लिखा हुआ है, राइट? ओके, एनीबडी एल्स हु गॉट द आंसर? शेल आई एक्सप्लेन नाउ? देखो, पैसेज में क्या दिया है, गैस मॉलिक्यूल्स कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्रीन हाउस गैसेस है, जो एक्ट करते हैं एज अ ब्लैंकेट, प्रिवेंट करते हैं किससे, आउटर स्पेस से एस्केप करने के लिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट जब कंबाइन होता है किसके साथ, लेवल्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस के साथ, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। सो इस पैसेज में अगर आप देखो तो ये जो होल प्रोसेस आपको दिया है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, ये किस चीज के लिए दिया है कि क्रिएट कैसे हो रही है, फॉर्म कैसे हो रही है, प्रोड्यूस कैसे हो रही है ग्लोबल वार्मिंग? क्या यहाँ पे ये बताया गया कि यूज क्या है ग्रीन हाउस का? नो, चॉइसेस भी नहीं है, ग्रीन हाउस गैसेस भी नहीं है यहाँ पे, बट ग्रीन हाउस गैसेस का ओनली नेम है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में यहाँ नहीं बताया गया। यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस किसका है कि ग्लोबल वार्मिंग हम क्रिएट कैसे करेंगे। ओके, तो कभी ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको सिर्फ बिगनिंग में या एंड में मिलने वाला है। यू शुड रीड द पैराग्राफ। आप पैराग्राफ को थॉरली रीड करो और उसके जिस्ट को समझो, राइट? प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, सो वी आर डन विथ टुडे सेशन। आज हमने थ्री टेक्निक्स करी हैं और कुछ टिप्स करी हैं कि क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है, द बिगनर्स, जो बिगनर्स हैं आइल्स के, राइट? हमने स्किमिंग का एक क्वेश्चन करा है, स्कैनिंग करा है और रीडिंग फॉर डिटेल करा है। एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज आप पूछ सकते हो। यू हैव सम टाइम? यस प्लीज। एनीबडी हु वॉन्ट टू आस्क समथिंग? यू कैन पेंडला वाला मुड़ा अनम्यूट दिखी हो आए योरसेल्फ। पिछले पेंडला दिखी। आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन द चैट बॉक्स, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। इधर ओके, ट्रू इधर फॉल्स ही डिनाई इधर है। टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग इसलिए हो जाता है बिकॉज आपकी रीडिंग स्किल्स क्या है उतनी इंप्रूव नहीं है। स्पीड रीडिंग की हैबिट बनाओ, फोकस करो क्वेश्चन पे, रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की, ये चीज बहुत मैटर करती है। जब आप क्वेश्चन को रीड, नहीं दिस आईफोन प्लीज म्यूट। एकदम
आप अपने क्वेश्चन को जब रीड करते हो पहले तो आपको रिक्वायरमेंट पता लग रही है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, राइट? एंड देन जंप इनटू द पैराग्राफ। आपको जो फाइंड आउट करना है उसी पे फोकस करो, अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करो, मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग एवरी डे। एनीबडी एल्स, एनी डाउट, एनी क्वेरीज? एंड हु सेड ट्रू फॉल्स नॉट मैम गिवन? यस, हम अनीता, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन भी वेरी सून हम वो करने वाले हैं, डू नॉट वरी, सारे टॉपिक्स कवर होंगे इन लाइव क्लासेस में। यस रमन, प्लीज। रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है। मैंने टेस्ट दिया था लास्ट मंथ, तो उसमें रीडिंग में 4 बैंड रह गए थे, बाकी तो साढ़े ओके, पांच राइटिंग और इसमें लिसनिंग में आ गए थे, और 6 स्पीकिंग में थे। नो रीडिंग में प्रॉब्लम मैम कोई रमन, प्रॉब्लम? आप लाइव क्लासेस अटेंड करो रेगुलरली, आई विल मेक श्योर कि आपकी रीडिंग बहुत जल्दी इंप्रूव होगी, राइट? थैंक बट यू मैम। टेस्ट यस मैम फॉर्मेट, आपको टेस्ट फॉर्मेट पता है ना, आपने एग्जाम दिया, टेस्ट जी, फॉर्मेट पता है ना, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या है, यस ये फोकस मैम। करो। जब भी आप टेस्ट करते हो अपना, सबसे पहले इज एवरी स्टूडेंट के लिए आप आंसर शीट प्रिंट आउट करा लो, अगर करा सकते हो तो, ठीक है? अगर पॉसिबिलिटी है, जो रीडिंग टेस्ट की आंसर शीट होती है उसको प्रिंट आउट कराओ। मेक श्योर जब आप प्रैक्टिस करते हो आंसर्स डायरेक्टली उसमें लिखो, और एनालाइज करो कि आपके मॉक टेस्ट में आपके आंसर्स कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन में गलत होते हैं सबसे ज्यादा। आप मिस्टेक ट्रू फॉल्स में करते हो, या आप मिस्टेक्स मैचिंग टाइप में करते हो, या कॉम्पिलेशन टाइप में करते हो, ये चीज एनालाइज करो। कम से कम 4 मॉक टेस्ट करो, बाय अ मेंबरशिप। कितना नॉमिनल अमाउंट पे हम लोग आपको मेंबरशिप दे रहे हैं, राइट? नॉमिनल अमाउंट है। मल्टीपल टेस्ट डाउनलोड करो, दिन के 4 टेस्ट डाउनलोड कर लो, 5 कर लो, 2 3। अगर आपका टेस्ट है मिड ऑफ अप्रैल में, तो आपको एटलीस्ट 2 टेस्ट तो एवरी डे करने चाहिए, राइट? इफ यू वॉन्ट टू स्कोर 6.5 और 6, 2 टेस्ट भी अगर आप रेगुलर करते हो रीडिंग के, चेक करो कि आपने कहाँ मिस्टेक करी है, कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन आपने गलत करा है। अगर आपने मैचिंग हेडिंग को गलत करा है, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मैचिंग हेडिंग। नेक्स्ट मॉक टेस्ट में भी सबसे पहले मैचिंग हेडिंग को ट्राई करो। ये होता है सेल्फ इवैल्यूएशन, जब आपको खुद पता लग रहा है कि आपकी कौन सी स्किल्स क्या है इंप्रूव नहीं है और आप इसमें वीक हो। ओके, एंड आई विल मेक श्योर, अब लाइव सेशंस में आपकी सारी चीजें होंगी, तो आपको कोई भी डाउट होगा तो आई विल हेल्प यू। ओके अनीता, आपने 2 टाइम्स एग्जाम दिया एंड यू गॉट 5.5, सो सबसे लेस किसमें था, रीडिंग में? डोंट वरी, आई एम देयर टू हेल्प यू, ज्वाइन द लाइव सेशंस ऑन एवरी डे। ओके, मैम कभी कभार ये होता है कि कभी तो टफ होती है रीडिंग, कभी कभी इजी होती है, तो इन टफ वाले में तो रह ही जाती है, मतलब रीडिंग हो ही नहीं नहीं वो पाती, प्रैक्टिस कम कंप्लीट ही है, नहीं हो दैट पाती। इज व्हाई मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि एटलीस्ट 2 to 3 मॉक टेस्ट आप रोज के डाउनलोड करो और उसको प्रैक्टिस करो। रीडिंग तभी आपकी इंप्रूव होगी जब आप प्रैक्टिस करोगे रेगुलरली। ओके, एंड मेक श्योर जब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ तो यू ऑल्सो हैव टू स्पीक इन इंग्लिश विद मी, है ना? क्योंकि आपको स्पीकिंग भी तो देना है। लाइव स्पीकिंग कैसे करोगे? आपके थ्रू तो करते हो ना लाइव स्पीकिंग, बट विद अ मैम ऑल्सो यू हैव टू डू। ओके, सो आपको मैम पता है। हाँ, यस शुभम, यस बीच। मैम आई हैड गिवन एन एग्जाम एंड आई स्कोर्ड 6.5, बट आई एम फोकसिंग ऑन 7 और 8, बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड यू नो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, ओके, यू आर लुकिंग सो फॉर अ इट विल कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट। ओके, आई या हैव अ लुक फॉर दैट, डोंट वरी, आई लुक फॉर इट। बट व्हाट यू कैन डू इज, फॉर दिस थिंग इज, यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ, डू नॉट टेक आउट अ मैम प्रिंट पाउडर आउट, मल्टीज नहीं। इंस्टेड नो दिस पीडीएफ टेस्ट पेपर फ्रॉम आर एप्लीकेशन, ओके स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स ऑन द पीडीएफ इटसेल्फ, ओके राइट? बिकॉज एनी हाउ यू विल बी डूइंग ऑन अ सिस्टम, राइट? सो मेक श्योर यू ओपन द पीडीएफ ऑन योर सिस्टम, ऑन योर लैपटॉप, स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स ऑन द पीडीएफ इटसेल्फ, और ओपन अ नोटपैड, राइट? ओके ओपन अ नोटपैड, स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, ट्रांसफरिंग योर आंसर्स ऑन द नोटपैड।
So you will be familiarized, because what happened in CBT is the left side will be the question, the left side will be the passage, and the right part will be the questions. So make a two-page view. When you open a PDF, make a two-page view. So two screens will be there. It's like a book, right? Okay. Anybody else? Any doubts? Okay. So you all are aware, because you are using the Baby Code application, you can find the mock test here for academic as well as for the general one, right? So practice, you can watch this live session again on the YouTube. Okay? If you are a member, you can watch this session again. Aap isko dobara bhi dekh sakte ho YouTube pe. Okay? So thank you so much for watching a live session. We are going to meet tomorrow. Okay? Bye-bye. Take care, all of you. And do practice for skimming, scanning, and reading for detail. We'll be meeting Okay. with the next topic tomorrow. Bye. Take care, all of you. Okay, ma'am. Take care. Bye.